People can do many things to learn a second language, such as they can join formal language classes, learn through the online resources, and travel to the country where the language is spoken or watch movies in that language. कि जो लोग हैं वो बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं किसी भी सेकंड लैंग्वेज को सीखने के लिए जैसे कि वो फॉर्मल लैंग्वेज क्लासेस जॉइन कर सकते हैं या फिर लर्न कर सकते हैं ऑनलाइन रिसोर्स से नेट से या फिर कोई भी मतलब जो टेक्निकल थिंग्स हैं वहाँ से हेल्प ले सीख सकते हैं या फिर ट्रैवल कर सकते हैं उस कंट्री में जहाँ की वो लैंग्वेज है जहाँ पे वो स्पीक की जा रही है और मूवीज़ देख सकते हैं उस लैंग्वेज की ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इज इज़ इट पॉपुलर टू लर्न इंग्लिश इन योर कंट्री क्या आपकी कंट्री के अंदर जो इंग्लिश लैंग्वेज है वो पॉपुलर है सीखने में यस डेफिनेटली इन माई कंट्री इंग्लिश हैज़ बिकम अ ग्लोबल लैंग्वेज कि मेरी कंट्री के अंदर जो इंग्लिश है वो एक ग्लोबल लैंग्वेज बन गई है इन एवरी फील्ड पीपल नीड दिस लैंग्वेज सो इट्स द मेन रीजन एवरी वन हैव टू लर्न दिस लैंग्वेज कि हर एक फील्ड में लोगों को नीड होती है इसकी इस लैंग्वेज की तो यही मेन एक रीज़न है कि उनको ये लैंग्वेज सीखनी पड़ती है इट इज़ ऑल्सो द ऑफिशियल लैंग्वेज इन इंडिया ये एक ऑफिशियल लैंग्वेज भी है इंडिया के अंदर ओके और नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट आर द डिफ़िकल्टीज़ टू लर्निंग अ न्यू लैंग्वेज कि कोई भी एक नई लैंग्वेज सीखने में क्या क्या डिफ़िकल्टी होती हैं देयर आर डिफ़िकल्टीज लर्नर्स में फेस व लर्निंग अ लैंग्वेज कि बहुत सारी यहाँ पे डिफ़िकल्टीज़ हैं जो एक लर्नर को फेस करनी पड़ती है किसी भी लैंग्वेज को सीखते टाइम द ग्रामर एंड अदर रूल्स नीड टू अंडरस्टैंड एंड लर्न ग्रामर है और जो दूसरे रूल्स हैं उनको सीखने की नीड होती है मोर ओवर वकीबलरी एंड पर्नाशियशंस में ऑल्सो भी डिफिकल्ट टू लर्न जो वकेबलरी है उस लैंग्वेज की या फिर पर्नाशियशंस हैं उनके अंदर भी डिफिकल्टी फील होती है किसी भी पर्सन को समटाइम आ पर्सन हैव टू फेस डिफ़िकल्टी टू लर्न अ न्यू लैंग्वेज ड्यू टू देअर ओम लैंग्वेज कई बार पर्सनस को डिफ़िकल्टी होती है कोई भी न्यू लैंग्वेज सीखते हैं उसकी अपनी खुद की लैंग्वेज की वजह से क्योंकि वो हैबचुअल नहीं होते उस लैंग्वेज के सो इट्स अ रीज़न दे हैव टू फेस डिफिकल्टी ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द बेस्ट वे टू लर्न अ न्यू लैंग्वेज किसी भी न्यू लैंग्वेज को सीखने का सबसे बेस्ट वे क्या है इन माय पर्सपेक्टिव देयर आर मेनी इफेक्टिव वेज टू लर्न अ न्यू लैंग्वेज बहुत सारे इफेक्टिव वेज हैं किसी भी लैंग्वेज को सीखने के फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट क्लास रूम लर्निंग इज़ द बेस्ट बिकॉज वी कैन लर्न फ्रॉम एन एक्सपर्ट एंड ऑल्सो गेट सम प्रैक्टिस विद आवर पीयर्स विच हेल्प विद लर्निंग अ लैंग्वेज फास्टर की जो मेन है वो क्लास रूम लर्निंग है क्लास रूम लर्निंग बेस्ट है क्योंकि हम वहाँ पर एक एक्सपर्ट से सीखते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं अपने पीयर्स के साथ पियर्स को न जो साथी है जो उनके साथ पढ़ रहे हैं और जो आपकी डेफिनेटली हेल्प करेगी किसी भी लैंग्वेज को जल्दी सीखने में ओके स्टूडेंट्स सो दीज आर द फॉलोअप क्वेश्चन ऑफ़ दिस क्यू कार्ड एंड स्टूडेंट इफ़ यू वॉन्ट टू गेट मोर एंड मोर अपडेट अबाउट माई अपकमिंग वीडियो देन प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल मोर एंड मोर एंड नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग